हरे कृष्ण नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते सुभग स्वामिनीति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामिनीति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महाबुधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज परम पूज्य भक्ति सुभग स्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा है। तो मैं तो महाराज के शिष्य जैसा हूँ, जैसे महाराज लोग बता रहे थे कि गुरुदेव से कितना उनका प्यार संबंध था, इसलिए महाराज कहाँ भी जाते हैं बोलते हैं कि तुम गौर गोविंद महाराज का लेक्चर सुनो और गौर गोविंद महाराज का किताब पढ़ो। इसे एक परिवार संबंध है हम लोग का महाराज से, एक पारिवारिक संबंध होता है ना। हम तो सबको प्रेम करते हैं लेकिन पारिवारिक संबंध थोड़ा दृढ़ होता है, फैमिलीनेस बोलते हैं अंग्रेजी में। महाराज की यही है पहचान है। आप अगर कहाँ भी जाएंगे बोलेंगे सुभग स्वामी महाराज बारे में, सुभग स्वामी महाराज कैसे हैं, और सुभग स्वामी महाराज वो बहुत सरल है सरल। ये सरल एक स्वाभाविक चीज है, ये गुरु का दान है। कोई सरल नहीं बन सकता, पंडित बन सकता है सरल नहीं बन सकता है, ज्ञानी हो सकता है। कोई सरल नहीं बन सकता, पंडित बन सकता है सरल नहीं बन सकता है, ज्ञानी हो सकता है सरल नहीं हो सकता है, भक्त हो सकता है सरल नहीं हो सकता है। ये सिंप्लिसिटी ऐसा एक क्वालिटी होता है ना, ये गुरु जी का दिया हुआ दान है। प्रभुपाद जी की ये बड़ा दया यही है कि उन लोग का जो शिष्य लोग हैं ना हमको दिए हैं उनका संग करने के लिए, हम लोग का ये भाग्य है। मैं तो ब्रह्मचारी था, जब भी महाराज भुवनेश्वर जाते थे मैं ऊपर रहता था, महाराज तो शाम को उधर घूमते थे। जब भी मैं प्रणाम करता था महाराज बोलते क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक हो ना। कितना भी प्रश्न मैं पूछा हूँ जो अभी नहीं बोल सकता हूँ, महाराज मुझे बिल्कुल सीरियस आंसर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा करना है। सन्यासी बनना कोई छोटा काम नहीं है, गुरु बनना कोई छोटा काम नहीं है, चेला बनाना कोई छोटा काम नहीं है। कि मैं जब भी पूछता हूँ महाराज वही बात बता रहे थे। तो महाराज के गुण क्या, मैं महाराज के सामने बोलूंगा? देखो जब सामने बोलना बहुत मुश्किल है, और महाराज के सामने महाराज के गुरु भाई लोग हैं, बड़े बड़े संन्यास लोग हैं, मैं तो सबसे छोटा आदमी हूँ। बड़े बात बोल लेता हूँ लेकिन आदमी तो छोटा हूँ। मैं इतना बोलूंगा कि देखिए हम लोग जो गुरु चरणाश्रय करते हैं ना, क्यों करते हैं, भजन भी करते हैं सेवा भी करते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हमको कृपा चाहिए। किसका कृपा चाहिए? गुरु का कृपा चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत, भगवत का श्लोक याद रहता है, गीता का श्लोक याद रहता है, शास्त्र में बहुत पंडित है, लेकिन एक श्लोक हम भूल जाते हैं, लेकिन सुबह गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, और हर दिन गुरु पूजा करते हैं, एक चीज को भूल जाते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, इसको भूल जाते हैं। इसको याद दिलाने के लिए ही व्यास पूजा है। व्यास पूजा का मतलब ये एक दिन का बात नहीं है, हर पल पर शिष्य का व्यास पूजा होता है। शिष्य हर पल पर गुरु जी को सोचते हैं, मुझे गुरु जी जिला रहे हैं खिला रहे हैं पिला रहे हैं। शरणागत आत्मा कोई ऐसे नहीं बन सकता है अगर वो गुरु जी से शरणागत नहीं है। हमको कृष्ण संग पहले जरूरत नहीं है, कृष्ण का संग में जो था ना, कृष्ण उनको भेजे थे जाओ तुम भक्त का संग करो। बोलिए ना ऐसा कौन सा भक्त है? उद्धव है। कृष्ण का संग अगर आप करेंगे ना फिर भी भक्ति में कम रहेगा,
लेकिन भक्त का संग करने से भक्ति में कभी कमता नहीं है। इसलिए गोपी लोग कृष्ण ने भेजे उद्धव को, जाओ गोपी लोग का संग करो, भक्त का संग का जरूरत है। और ये आशीर्वाद हम लोग के लिए ही कि प्रभुपाद के शिष्य लोग अभी है, उन लोग का हम संग करना चाहिए। संग का मतलब यही है, आसक्ति बढ़ाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और सबसे बड़ा है गुरु जी को पराभक्ति करना चाहिए। भक्ति तो हम करते, पराभक्ति नहीं करते। जस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति का मतलब गुरु जी को उपासना करना है गुरु जी की कृपा के लिए, उनके सुख के लिए। गुरु जी को उपासना नहीं करना है गुरु से बड़ा होने के लिए, ये पराभक्ति नहीं हुआ। इसलिए एकलव्य क्या जो गुरु भक्ति था ना, अर्जुन से कम नहीं था। एकलव्य जो भक्ति कर रहा था ये बराबर अर्जुन जैसे वो डिवोटेड थे, लेकिन ये गुरु से बड़ा होने की उनका आदत था, पराभक्ति नहीं हुई। गुरु ने उनका इनकार कर दिया, फिर भी वो सोच रहा था नहीं मैं चेला बनूंगा, लेकिन अर्जुन का पराभक्ति हो गया। एकलव्य का पराभक्ति नहीं हुआ, लेकिन उपासना दोनों ही कर रहे थे, दोनों ही पूजा कर रहे थे, बाहर से दिखने के लिए दोनों ही चेला है। हम तो इनिशिएशन ले जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं, व्यास पूजा करते हैं, लेकिन पराभक्ति नहीं होने से गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है वो पता नहीं होता। राम माधवेंद्रपुरी देख लीजिए, माधवेंद्रपुरी का दो चेला थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी का क्यों ऐसे भाव आ गया, इतना बड़ा महान संत शुद्ध भक्त का चेला है, पराभक्ति नहीं हुई। कभी भक्ति नहीं बोले, पराभक्ति। ये पराभक्ति जो चीज होता है ना, बहुत बड़ा चीज होता है। हम लोग को इसलिए भक्त लोग का संग करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज गा करते थे, गुरु भक्त का संग करना चाहिए, जो गुरु जी को प्रेम करते हैं, ममता देते हैं, गुरु जी के सुख के लिए जीवन को दे देते हैं, उन लोग का संग करने से पराभक्ति होता है। नहीं तो भक्ति हम करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि गुरु जी की कृपा चाहिए। मुझे प्रचार करना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गुरु जी का कृपा के लिए, इसको हम भूल जाते हैं। तो ये व्यास पूजा जो दिन है ना, ये स्पेशल डे है, इसीलिए जस्य प्रसादत वर्ष को हर दिन हमको याद करना है, हर पल पर याद करना है, हर पल पर याद करना है। महाराज की महाराज जब भी प्रवचन देते हैं, आप एक चीज, आप महाराज का शरीर तो अभी स्वस्थ हो गया, महाराज जब स्वस्थ नहीं थे कभी भी कुछ बोलते थे भुवनेश्वर में, थोड़े बोलते थे, लेकिन एक चीज देख लीजिए, महाराज जब भी बोलते थे हर समय बोलते थे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी से। इसका मतलब शास्त्र के माध्यम से गुरु का भी स्मरण, हम नाम भजन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन गुरु जी को भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन में पराभक्ति नहीं हो रहा। हम ठाकुर जी का पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पिचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु जी को भूल जाते हैं, इसलिए पराभक्ति नहीं होता है। लेकिन जो प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं, उनका हर वाक्य पर आप देख लीजिए गुरु जी प्रभुपाद जी, इसलिए ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। जब तक प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं ना, उनका संग करके गुरु भक्ति कैसे करना चाहिए सीख लेना। ठीक है, अभी मैं कथा विश्राम देता हूँ, और महाराज जी की और सभी भक्त लोग की कृपा भी प्रार्थना करता हूँ, महाराज जी से मुझे कृपा करे। महाराज वो बहुत सरल है और अमायिक है और गुरुदेव का प्रिय है, मैं तो उनका शरण लिया हूँ, गुरु वैष्णव लोग उनके आज इस दिन में महाराज का मैं कृपा चाहता हूँ, जैसे मैं जी कर रह सकता हूँ, गुरु वैष्णव लोग की सेवा कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद सुभक्त स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरि। सलदर महाराज की जय। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिजोलनेस भक्ति आनंद हरिदास गोस्वामी महाराज एंड फॉलोड बाय सुंदरानंद प्रभु। And after the two more speakers, His Holiness Bhakti Amrita Mahavir Maharaj and His Holiness Jajavar Maharaj.